attached with so many different NGOs and my office and everything. After this surgery, only I think 20 days I take the rest, and start from 21 days I start my work. As on today I work very good. Morning 6 baje utke raat ko 10 baje tak kaam karta hu. Doctor ne kafi kuch advice diya tha, usme ki koi bhi advice main follow nahi kiya hu, fir bhi I am fit. कसरत करने को बोला था, चलने को बोला था, टाइम नहीं मिलता है, नहीं कर पाता हूँ, फिर भी मेरे को बेस्ट है. जैसा आगे वाले भाई ने बताया, ईस्ट और वेस्ट, डॉक्टर नानावटी बे इज बेस्ट, आई विल टेल ईस्ट और वेस्ट, डॉक्टर मिहिर बापट इज द बेस्ट. थैंक यू वेरी मच. ये एक इम्पॉर्टेंट एक्सट्रीम है कि कोई भी मशीन रहे, आप इसको रिपेयर करते हो, उसको वापस तोड़ने की कोशिश मत करो. ख्याल तो रखना चाहिए. पहले दो केसेस में हमने देखा है सर्जरी से कितना बेनिफिट हुआ है, इनके केस में भी काफ़ी बेनिफिट हुआ है. बट एक जो चीज़ रहता है, इट्स नॉट ओनली अ पर्सन और समथिंग, एक टीम वर्क रहता है. कि नेथन के केस में, प्रथम के केस में, डॉक्टर मिस्टर मुछाला के केस में, एक फिजियोथेरेपी पोस्ट ऑप काफ़ी इम्प्रूव करता है. तो पोस्ट ऑप फिजियोथेरेपी में मैम, डॉक्टर वर्षा, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट अगेन पोस्ट ऑप फिजियोथेरेपी, उसमें आपका क्या कहना है कि इज इट ओनली फॉर द पेशेंट्स, फॉर द फैमिली, कि कैसा है उसमें आपको क्या कहे, इट्स ओनली फॉर द फिजिकल स्ट्रेंथ या मेंटली भी आप उनको प्रिपेयर करते हैं? सी, वन थिंग दैट शुड बी इन एवरीवन्स नॉलेज इज, नो मैटर कौन सी सर्जरी हुई हो, वो स्पाइन की सर्जरी हो, ब्रेन सर्जरी हो, हैंड लेग की सर्जरी हो, उसके बाद फिजियोथेरेपी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज नंबर वन प्रिवेंशन इज ऑफ DVT और एनी यू नो ब्लड सर्कुलेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स इन द लेग्स. मतलब ऐसा होता है कि आप बेड रेस्ट पे रहते हो डे वन एटलीस्ट पोस्ट ऑपरेशन. आजकल सभी डॉक्टर्स रेफर करते हैं कि डे वन से ही आप पेशेंट को जितना एक्टिव कर सकते हो उतना करो. सो इट्स लाइक बेसिकली द रोल ऑफ फिजियोथेरेपी इज फ्रॉम द डे वन पोस्ट ऑपरेशन. एंड देन फैमिली का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ सिंपल एक्सरसाइजेस है जो आप देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, वार्ड्स में हम पेशेंट्स को सिखाते हैं, वो उन्हें लॉन्ग टर्म में घर पर करना है. ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हॉस्पिटल स्टे के ड्यूरेशन में आपने किया और फिर आप चले गए एंड यू डू नथिंग. जैसे अभी लास्ट में जो पेशेंट आए थे, कुछ नहीं करते हैं पोस्ट सर्जरी, तोड़फोड़ वापस नहीं चाहिए. तो आपको स्ट्रेंथ मेंटेन करना हुआ, इसलिए लॉन्ग टर्म में एक्सरसाइजेस करना ज़रूरी है. और ये फैमिली का काम है कि अपने रिलेटिव को या जो पेशेंट है उनको आप एनकरेज करो एक्सरसाइजेस करने के लिए. दैट इज वेरी राइटली पॉइंटेड आउट कि इसमें फैमिली का भी काफ़ी देन रहता है. And family has to support it. खाना खाने से पेट दुखता ही है, एसिडिटी होती ही है, तो हम खाना खाना नहीं छोड़ते. सांस लेने से हर साल सर्दी होती ही है, पर हम सांस लेना नहीं छोड़ते. तो एक्सरसाइज से अगर बदन दुखता है तो एक्सरसाइज छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है. एक्सरसाइज ये एक चीज़ है जो आपके शरीर को चलाती रहती है, वो आपके शरीर का ऑयलिंग है. तो जब तक ये ऑयलिंग चालू है, ये मशीन चलती रहेगी. वॉकिंग, लाइंग डाउन योगा, ये किसी को नुकसान नहीं करेगी, तो उसको चालू रखिए. अब जब लोगों को इनविटेशंस गए एंड उन्हें पता चला ऐसा कोई प्रोग्राम यहाँ पे कंडक्ट हो रहा है, तो काफ़ी लोगों को आने की जरूरत, दिल से इच्छा आई, बट बीइंग नॉट फ्रॉम बॉम्बे काफ़ी लोग आ नहीं पाए, बट उन्होंने अपनी वीडियोस भेजी है कि प्लीज़ हमारा भी मैसेज पास ऑन करिए. का तो वैसा ही एक वीडियो है, लगा सकते हैं. सो ये है एक 13 साल के बच्चे का, जिसका 13 साल की उम्र में दूसरी बार सर्जरी हो रहा है. एंड सर्जरी भी इसलिए हो रहा है क्योंकि उसको कमर में एक डिफॉर्मिटी है और उसके वजह से उसकी पैरों की ताकत जाने लगी है. पैदाइशी उसे कमर में एक बेंड था, जैसा आप उसके ये इमेजेस में देख सकते हैं. एंड इसकी हमने सर्जरी करी थी. जो कमज़ोरी थी उसकी, पोस्ट सर्जरी फिजियो की मदद से थोड़ा थोड़ा सपोर्ट के साथ वो चलना शुरू किया. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसे एक स्ट्रेचर, एक वॉकर की ज़रूरत पड़ रही है. सपोर्ट में उसके पैरों पर हमने सपोर्ट बांधा हुआ है, पीछे से उसकी मदर भी उसे सपोर्ट कर रही है, बट वो कोशिश जरूर है. जैसा फिजियोथेरेपिस्ट भी कह रहे थे कि इट इज़ अ फुल एफर्ट फ्रॉम द पेशेंट एंड द फैमिली. ये उसकी अभी 4 महीने बाद की फोटो है,
जहाँ पे वो खुद से चल पा रहा है. तो धीरे धीरे विद फिजियोथेरेपी एंड विद दर्द एंड इमोशंस एंड योर विल पावर आप इस सब के ऊपर जीत पा सकते हो. सो दिस इज स्टोरी ऑफ मास्टर नितिन चीते. उनके फादर आज आने वाले थे बट उन्होंने एक मैसेज भेजा है हम सब के लिए. हेलो एवरीवन, मैं गुजरात डिस्ट्रिक्ट तापी व्यारा गांव से, नाम राकेश चित्ते, मेरा लड़का निकेन राकेश चित्ते, आज की तारीख में वो 12 साल का हुआ. 4 साल पहले उसका स्पाइन का ऑपरेशन करवाया था जो कि 2 मनके निकाल के वहाँ पे ब्लेड बिठाया था. वो सूरत में हुआ था वो ऑपरेशन और 3 साल में फिजियो करके धीरे धीरे वो चलने लगा, 80% तक चलने लगा. 3 साल हो गए. 3 साल के बाद उसकी हाइट बढ़ने की वजह से वो प्लेट छोटी पड़ गई और चलना धीरे 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 कम हो गया. डॉक्टर को दिखाया, MRI करवाया. MRI करके डॉक्टर ने बोला कि उसकी हाइट बढ़ गई तो प्लेट बीच में फंस गई, उसकी वजह से उसका नस ब्लॉक हो गया तो चलना बंद हो गया, प्लेट बदलना पड़ेगा. तो हमने डॉक्टर को पूछा कि प्लेट बदलना पड़ेगा, 3 साल हो गए, 3 साल में अगर प्लेट बदलनी पड़ी तो आगे जाके क्या होगा. तो डॉक्टर बोले, सूरत के डॉक्टर, कि उसका जब जब हाइट बढ़ेगा तब तब प्लेट बदलना पड़ेगा. हमको वो सही नहीं लगा कि कितनी बार हम प्लेट बदलाएंगे. तो हमने वो डॉक्टर छोड़ दिया. सूरत में 2 डॉक्टर को दिखाया, बड़ोड़ा अहमदाबाद स्पाइन स्पेशलिस्ट को दिखाया, लेकिन कोई उसका उपाय नहीं निकला हमको. फिर हमने सोचा कि बॉम्बे जाए. बॉम्बे में एक हॉस्पिटल में दिखाया, बड़े हॉस्पिटल में. वहाँ पे उन्होंने बोला कि एक ही बार ऑपरेशन होगा. तो हम लोग एडमिट हो गए. दूसरे दिन उन्होंने MRI करा. MRI करके उन्होंने बोले कि ये ऑपरेशन बहुत रिस्की है, हम लोग रिस्क नहीं ले सकते. तो उन्होंने हमको नहीं बोल दिया. फिर हमको बोरीवली और अंधेरे के सोशल वर्कर किशोर भाई झाटक क्या मिले. उन्होंने पूछा क्या करेंगे. हम बोले कि हम जाना तो पड़ेगा दूसरे हॉस्पिटल. तो किशोर भाई के साथ हम लोग नानावटी हॉस्पिटल में रिपोर्ट दिखाने गए. वहाँ पे मिस्टर मिहिर बापट मिले. मिहिर बापट सर ने बोला कि लड़के को एक चांस देना पड़ेगा, रिस्क तो लेना पड़ेगा. तो हमने बोला ठीक है, हम लोग रिस्क लेने के तैयार हैं, आप ऑपरेशन कीजिए. हम लोग वहाँ पे एडमिट हो गए. 4-5 दिन के बाद ऑपरेशन हुआ. 10-12 घंटे ऑपरेशन चला. ऑपरेशन उन्होंने सक्सेस करके दिखाया. सक्सेस करने के बाद वहाँ पे 2 दिन में ही उसको खड़ा कर दिया. 4 दिन में चलने लगा. 4 दिन के बाद उसको फिजियोथेरेपी चालू कर दिया नानावटी हॉस्पिटल में ही. 8-10 दिन रह के वो खड़ा हो गया. उसके पीछे मिहिर बापट सर, मनदीप गुजराल सर, भरत सर, अर्पित सर, जोहा सर, उन लोगों ने मेरे लड़के के पीछे बहुत मेहनत किया. और जो मुमकिन नहीं था, जहाँ पे हमको नहीं बोल दिया सब जगह पे, वहाँ पे मिहिर बापट सर ने हमारे लड़के को खड़ा कर दिया. हर चीज़ों को देखने की 2 तरीके रहते हैं. एक ग्लास आधा एम्प्टी होता है या एक ग्लास आधा फुल होता है. आप जिस तरीके से देखोगे, बाजू वाला मेरा पैरालाइज हो गया इसलिए आपको दर्द सहने की कोई जरूरत नहीं है. दैट इज द बॉटम लाइन. डॉक्टर एक ह्यूमन बीइंग है, आप भी ह्यूमन बीइंग हो, इसमें कोई भी भगवान नहीं है. तो अगर एरर कोई भी चीज का 1% से कम है तो वो चीज सेफ है. क्योंकि बॉम्बे में अगर मैं रास्ता क्रॉस करूं तो 1% चांस है कि मैं उड़ा दिया जाऊंगा. तो उतना रिस्क तो मुझे लाइफ में लेना पड़ेगा, नहीं तो मैं जी ही नहीं सकता. और स्पाइन सर्जरी आजकल वो रिस्क के करीब आ चुकी है. इट इज ओनली 1%. सो यू हैव टू टेक दैट रिस्क एंड इम्प्रूव योर क्वालिटी ऑफ लाइफ. दैट इज द बॉटम लाइन. एवरीबडी डजंट रिक्वायर द सर्जरी, बट जब भी सर्जरी लगेगी आपकी लाइफ इतनी सुधर जाएगी कि आप कभी सोच ही नहीं सकते. जो अगले हैं जिन्होंने मैसेज भिजवाया है, शायद से आप सब उन्हें जानते होंगे. हमने तो बचपन में उनके कई सारे सीरियल्स देखे हैं. तो
आइए उनसे जानते हैं. So hello, my name is Rakhi Vijayan and I want to share an incident with you all. My father went through a back problem for almost 40 years or more in his life. He suffered a lot. But he thought ke back ka operation karana ya back ki surgery karana, no, kyunki usse main paralyzed ho jaunga, main kabhi chal nahi paunga, main bed se bhi uth nahi paunga. So it was a big no for him. He would think that main alternate therapies karunga, main conservative therapies karunga, but back operation, no. तो पापा ने फिजियोथेरेपी करवाया, एक्यूपंचर करवाया, योगा करवाया, एक्सरसाइजेस की, न्यूरोथेरेपी, जस्ट नेम इट, ही डिड एवरीथिंग. एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड के हमारी फैमिली ना, हमारी सारी हैप्पीनेस हमारे फादर के अराउंड रिवॉल्व करती है. सो वी थॉट के बस ये डेड एंड है, अभी इसके बाद कुछ नहीं, अभी इसके बाद डैड विल नेवर गेट ओके. एंड हमने सब ट्राई कर लिया. टिल दैट टाइम another god's man came into our life, Dr. Mihir Bapat. He came and he took away all the pain from my dad's back. A man who's suffering so much had no other way but say, okay, main abhi operation karaunga. My father went through the operation. You know the funny thing, ke us din mere saath baithe the aur mere ko bol rahe the, Rocky, मेरे बैक में कभी कोई पेन था क्या? And I was shocked. So, thank you, doctor. Thank you. You are our God's angel. Thank you so much for showing us the right way. Thank you so much for giving my father a life. अभी सुशांत है. सुशांत है, हाँ बताएंगे. ये सबसे मेरे फेवरेट पेशेंट है क्योंकि ये मेरी पैशन को शेयर करते हैं. सुशांत, सो मिस्टर सुशांत भी हमारे साथ यहाँ पे है. एंड ही इज अ 44 ईयर ओल्ड. इन्हें स्लिप डिस्क हुआ था जो उनके पैरों में आ रहा था एंड उनकी लाइफ रिस्ट्रिक्ट कर रहा था. He is very active and quite in the entertainment business. So life after spine surgery, मेरे बदले वो खुद आपको बताएगी कि पहले क्या क्या थे और अब क्या क्या है. तो आइए. Thank you so much. I'm very much here and वो तो पूरी जिंदगी पे माइक पे ही रहते हैं. हाँ, बेसिकली माय नेम इज सुशांत एंड दिस इज बाय आई जस्ट डिड दिस वन सॉन्ग व्हिच रिलीज्ड अराउंड 4 days बैक. एंड आई एम अ म्यूजिशियन बाय प्रोफेशन. आई प्ले गिटार एंड आई एम सो लकी. आई यूज्ड टू प्ले विद जगजीत सिंह एंड नाउ आई प्ले विद हरिहरन एंड ऑल दीज गाइस. So I had a very bad injury. घर पे जैसे I just lifted a bag, say about 10-12 kgs, ऐसे अपना rooftop से, और उसको जैसे ही उतारा तो I had a very bad pain in my lower back and I was completely stuck on the table. So जैसे Indian घरों में होता है, my wife just prayed volani or something that kind. So it gave me relief for say about 2 minutes or 3 minutes. I went to Lucknow, did my show, came back, and next day that pain came into my leg. It was also very bad, but फिर भी होता कि निकल जाएगा, कोई बात नहीं, दिखी जाएगी, you know, that sort of. But third day that pain came into my hip, और वो सबसे बुरा था because the pain was too much so that I couldn't move my body even till यहाँ से लेके bed से लेके washroom तक. बहुत ही बुरा वाला पेन. दैट टाइम आई डिडंट न्यू अबाउट डॉक्टर मिहिर बापट बिकॉज जिसने मुझे मिलवाया वो ही वॉज मोर इन टू एंटरटेनमेंट पार्ट. अरे यार तू देखेगा ना डॉक्टर को, इतना स्मार्ट डॉक्टर है ना.
I'm sorry, thode se aaj facts I can reveal that. You can cut out that. No, thoda sa hai. So I must tell you that. To maine apne dost ko bola, main kaha yaar main chilla raha hu, theek hai, smart hai, mere ko ye bata ye kya karna kya hai iska. Nahi kuch nahi. Then his wife came. And this is a true story. Inko bhi nahi pata hoga. That group of ladies jinhone inko shayad in unme se kisi ek ne inko visit kiya hoga, wo char panch ladies sirf inko dekhne ke liye inko inke clinic mein aayi thi darshan ke liye. Haan, darshan ke liye. Ye sachai hai. Lubna, I can name them, meko sabka pata hai. So unme se koi ye bhi baat nahi kar raha hai ki bhai mere ko dard ho rahi hai, mere ko kuch ho raha hai. Wo chaba, are tu wahan ja raha dikhane, main bata rahi hu superb doctor hai ye wo. Main kaha bhai, phir then I contacted him somehow. To main mila aur jaisa ki mere ek dost ne pehle bhi bola ke wo to tha hi, aur jo mere saath aaya wo mujhe nahi dekha ja raha tha, wo inko dekha ja rahi thi aunty. To he saw me and he said ke yaar koi MRI karwaya? Maine kaha haan ji. To MRI dekhne ke baad inhone bola ke ye slip disc hua hai. What do you do? So I told him that I'm into music industry and I used to play guitar. So he explained me everything. It's just because of the posture, because you hold the guitar like this every time, neck niche hota hai. And maybe you lifted something in a wrong position, that's why it happened. So, but he didn't force me for a surgery. He said, okay, let's see, we'll see around 20 days, take this medicine and lie down. So I was up din raat show industry, traveling, stage, ye sab karke 30 din lete rehna bahut badi baat hoti hai. But to kai baar dar lagta hai ki uski aadat hi na pad jaye ek hi side pe let ke, you know, jaisa jab aap driving school mein car seekhte ho to jab aapko car aa jati hai to aapko aadat pad jati hai ki ek aadmi idhar baitha hua hai jiske pair mein brake hai na ek, but obvious hai ki aisa hota hai. To maine kaha yaar ye baith na jaye, to main baar baar inko message karta tha ki doctor saab this is happening. He was always no worries. Achha, inka time jawab dene ka subah 7 baje hota hai, I know. 7:30 baje inka message aata tha ki nahi don't worry, we'll see. Aise 30 din nikal gaye. Fir then my video was about to shoot my video, but